हेलो एवरीवन मैं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से बनाना ये हैदराबादी है है वेज बिरयानी की रेसिपी तो इसके कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ में वीडियो में आके शेयर करूंगी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए सबसे पहले मैं हम यहाँ पर अभी जो है पनीर को जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और उसे घी में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको सब्जी में मतलब बिरयानी में डालेंगे तो हमारा पनीर टूटना नहीं चाहिए तो मैंने इसको तल लिया है और अब यहाँ पे मैंने लिए कुछ गोभी फूल गोभी और ये लिए मैंने कुछ हरी मिर्चियाँ जिनको बीच में से स्लेक्ट कर लिया है और ये कुछ वेजिटेबल्स लिए मैंने जिसमें गाजर फ्रेंच बीन्स है और शिमला मिर्ची यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी पसंद के अनुसार भी ले सकते हैं तो यहाँ पे कुछ हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने लिए मटर जो कि फ्रोजन है वो वाली मटर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए और यहाँ पे डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो प्याज होता है इसको मैंने तल लिया था फ्राई कर लिया था वो डाला है अब यहाँ पर इसमें डालेंगे हम कुछ अपने मसाले तो उसमें डाली मैंने आधी चम्मच हल्दी लाल मिर्च एक चम्मच हरा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने और यहाँ डाल दिए कुछ खड़े मसाले लाइक जैसे क्या बोलते हैं काली मिर्ची हरी मिर्ची हरी इलायची सॉरी और यहाँ पे डाला लास्ट में कुछ मैंने बिरयानी शाही बिरयानी मसाला और उसके बाद में हरा धनिया और पुदीना इसमें डाल देंगे और तो स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें तो आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाला है और अब इसमें डाल रही हूँ मैं दही तीन से चार चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे इसमें दही डाल दिया है और अब हमें इसको मिक्स करके इन सब्जियों को अच्छे से मैरिनेट करना है तो अच्छे से सारी सब्जियों को और सारे मसालों को और जो दही हमने डाला है इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई भी सब्जी छूटनी नहीं चाहिए पूरा अच्छे तरीके से इसमें लग जाना चाहिए है ना तो अच्छे से मसाज देना है यहाँ पे सब्जियों को पर ध्यान रहे कि सब्जी हमारी टूटे ना तो इस तरीके से अच्छे से मैं इनको मसाज करके मतलब मैरिनेट करके रख दूंगी और ये बिरयानी ना बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें हमें सब्जियों को अलग से नहीं पकाना है साथ में ही सारा सब कुछ पकेगा और बहुत ही इजी ये रेसिपी है आई होप आपको पसंद आएगी तो यहाँ पे मेरी जो सब्जियाँ हैं वो सारी मैरिनेट हो गई है और अब मैं इसे कम से कम दस मिनट के लिए बस रख दूंगी तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया मसलिन क्लॉथ लिया है तो उसमें मैंने अपने सारे मैंने नहीं मतलब सारे खड़े मसाले जो होते हैं बड़ी इलायची छोटी इलायची दालचीनी और हरी इलायची काली मिर्ची लौंग इन सभी को उसमें डाल के उसकी एक पोटली बना लेनी है हमें तो अभी हम आगे जब राइस कुक करेंगे उसमें ये पोटली काम आएगी राइस में मैं जो है वो डालती नहीं हूँ खड़े मसाले तो इस तरीके से मैं पानी में पोटली बना के डाल दी है जिससे ये खड़े मसाले ना मुंह में नहीं आएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ हरे धनिया के पीछे की जो डंठल होती है वो इसमें डाल दी है इसमें पानी में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है बाद में इन सब को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि ये चावल में दिखे ना और ये सारे खड़े मसाले भी बाद में हमें निकाल लेना अभी पोटली मैंने डली रहने दी है इसमें और अब मैंने ये जो यहाँ पे लिए हैं बासमती चावल इनको मैंने पहले से ही पानी में भिगा के रखा हुआ था तो और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ एसेंस ये है गुलाब जल और अब मैं इसमें डालूँ कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस की और ये मैंने डाला है इसमें बिरयानी एसेंस ये अमेज़न पे भी मिल जाता है मुझे तो लोकल मार्केट में मिल जाता है इजीली क्योंकि यहाँ पे मैं रहती हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद में तो बिरयानी बनती रहती है तो ये सारे एसेंस इजीली मिल जाते हैं बट ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं तो यहाँ पे हमने चावल को 80 परसेंट इनको कुक कर लिया था और अब मैंने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया है इस पानी को मैं फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आगे हमें रेसिपी में काम आएगा बस पोटली को निकाल लेंगे अब यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी हांडी अब इस हांडी में डाल रही हूँ अपने कुछ थोड़े से खड़े मसाले लाइक दालचीनी और हरी इलायची बड़ी इलायची और ये काली मिर्च के कुछ दाने हैं और थोड़ी सी लौंग भी है एक दो दाने तो इन सभी को हम डाल देंगे घी में यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है इसकी जगह आप चाहो तो तेल भी यूज कर सकते हो पर घी का एक अलग ही स्वाद आता है अब यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज जो है उसको स्लाइस करके रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे तो ये जब कुक हो जाएगा उसके बाद में हमने जो अपनी सब्जियाँ मैरिनेट करके रखी हुई थी उन सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे और इन सभी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में मिला लेंगे तो ऑलरेडी मैरिनेट थी अब हमें ऊपर से ज़्यादा कुछ मसाले इसमें डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सभी को बस अच्छे से थोड़ा सा हमें फोर्टी परसेंट ये समझ लो कुक करना है नमक डाल देंगे अगर सीजनिंग आप चेक कर लेना अगर पहले से ही आपने नमक अच्छा डाल दिया तो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे जो हमने चावल को कुक किया था उसका जो पानी था वो मैंने इसमें डाला है सब्जी को कुक करने के लिए हमें इसको बस थोड़ा सा कुक करना है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है नहीं तो हमारी सब्जियाँ गल जाएंगी तो हमारी बिरयानी बिगड़ जाएगी पूरी मजा ही नहीं आएगा फिर तो हमने बस केवल मैंने केवल पाँच मिनट के लिए उसको ढक्कन लगा के ढक करके रख दिया था और अब जो है हमें अपने लेने, जो हमने चावल कुक किए थे एटी परसेंट वाले वो वाले चावल हमें डाल लेने हैं इसमें बस हम इसमें डबल ट्रिपल लेयर नहीं कर रहे हैं केवल एक सिंगल लेयर कर रहे हैं और इसमें भी बिरयानी बहुत अच्छी बन जाती है तो सारे चावलों को हम ऊपर से डाल के अच्छे से कवर कर देंगे सब्जियों को सब्जी को सारी तो मैं एक एक करके इसमें चावल डालती जा रही हूँ तो सारे चावलों को अच्छे से डाल देना है इसके ऊपर और सब्ज़ी को अच्छे से पूरा ऊपर से नीचे उप, नीचे तक तो मदद मतलब नहीं मतलब ऊपर से अच्छे से कवर कर लेना है बहुत ही फटाफट बन जाती है ये रेसिपी ये रेसिपी मतलब बिरयानी और बहुत ही इजी रेसिपी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं ये रेसिपी ये बिरयानी ट्राई करती रहती हूँ और इसके बाद में जो हमारा जो मैरिनेट बचा हुआ था ना उसमें मैंने चावल का पानी डाल दिया था और उसको उसके ऊपर से डाल देंगे ध्यान रहे चावल को अभी हमें थोड़ा सा पकाना है सब्जियों के साथ में इसलिए थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर ज़रूरी होता है इसलिए हम ये चावल का पानी इसमें डाल देंगे तो इसमें सारे एसेंस भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऊपर से मैंने थोड़े से तला हुआ प्याज डाल दिया अद, अ, पुदीना और धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं और ऊपर से मैं डालूँ थोड़ा सा केसर जी हाँ केसर को आप दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हैं पर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाल दिया है केसर की कुछ पंखुड़ियों को और उनके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा फिर से चावल का पानी तो बहुत अच्छा कलर आएगा यहाँ अब हमें देना है दम तो मैंने नीचे रख दिया है तवा और तवे के ऊपर मैंने रख दिया अपना ये जो बिरयानी की हांडी है वो और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है तीन चम्मच के करीब घी और एक्स्ट्रा तो बहुत अच्छा आरूम आएगा अब बस इसे ढक के ऊपर से मैंने एक भगोना रख दिया पानी का और हमें इसे दस मिनट के लिए पकाने के लिए रख देना बहुत जल्दी ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है है ना और जो हमने केसर डालता तो है उसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है इसके ऊपर तो दूध में डाल के ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट भी डाल दो उस पर तो ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो अब हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो हमारी बिरयानी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी आ जाए अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्मोक कर रही हूँ कोयले के साथ में ये ऑप्शनल है टोटली आपको चाहे तो करिए लेकिन इससे बहुत अच्छा आरोमा आ जाता है और बिल्कुल मार्केट जैसी बिरयानी हमारी बन तैयार हो जाती है ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं और सारी सब्जियाँ वगैरह बहुत ही टेस्टी है सब बिरयानी बन तैयार हुई थी एकदम ला ये जो सारे मैंने ऐसे आपको बताएं ये आप अगर चावल में डालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मार्केट की बिरयानी है आपको कोई कहेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनाई है तो इसको कुछ प्याज और उसके साथ में नींबू के साथ मैं डेकोरेट कर लेती हूँ ऊपर डालने के थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना बस हमारे लाजवाब सी बिरयानी बस बन के तैयार हो गई है अगर आपको ये पसंद आई हो बिरयानी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथ में मैंने मिर्ची का सालन रखा है और थोड़ा सा रायता रखा हुआ है इस मिर्ची के सालन की रेसिपी मैं आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करूँगी तो अगर पसंद आई तो वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय